तो आज का प्लान है कौन सी गन बनाने का? कपड़े तूने भी कल वाले पहने, मैंने भी कल वाले पहने हैं ना। ज्यादा कपड़े हम लेके नहीं आए, थोड़े बहुत ही लेके आए। और यहाँ पे प्रोग्राम फंक्शन ज्यादा ही है, पता ही नहीं इतने, मतलब हमने सोचा नहीं था कितने प्रोग्राम होंगे ना यहाँ पे, कितने फंक्शन होंगे, कोई आइडिया ही नहीं था ना। हैं, देखो कप्तान हमारा नींद आ रही है। अरुल कौन सी गन बनानी है तुमने? स्लिंग शॉट गन। स्लिंग शॉट गन बनानी है, बस उसी की तैयारियाँ चल रही है। अभी खा पी के रेडी हो गए हैं, पहले मार्केट जाके ना, उसके बाद हम अपनी उस गन की तैयारी करेंगे, उसके बाद चलेंगे हंटिंग पे, शिकार पे, हैं शिकार पे चलेंगे। और शिकार मतलब जानवरों का शिकार तो करेंगे, इंसानों का, जानवर तो बेचारे बेजुबान और इंसानों का शिकार करने चलेंगे गन बनाने के बाद। पहले मैं भाई को बोलूं कि गन बनाने की तैयारी क्या क्या सामग्री रहती है गन बनाने की, वो पूछ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं जा रहा हूँ लेने मार्केट, वो यहाँ पे मिलेगा, मुझे पालमपुर जाना पड़ेगा सामग्री लेने गन की, तो मैं पहले लिखवा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। फाइनली गाइस हम गन की सामग्री लेने जा रहे हैं अभी, मैं और भाई, गन स्लिंग शॉट गन की। और क्या 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 इसमें क्या क्या लगेगा, कितना बारूद, कितना क्या, कितना मतलब सारा बता दे। क्या चाहिए फिर? होम मेड है। तो मार्केट भी जा रहे हैं हम, तो ऑफलाइन लेने जा रहे हैं। पहले बताता यार, मैंने ऑडियंस को बताया कि मैं पालमपुर से सामान लेके आऊँगा स्लिंग शॉट गन का। पागल है, चलो कोई बात नहीं, सॉरी ऑडियंस। वो अपनी ना खुला गेट ना, पीछे पीछे हमारी आप्या भी आ गई, आप्या दादू के साथ आप्या आ गई। आप्या जी, आप्या जी, आप्या जी, आप कहाँ जा रहे हो? अरे ऊपर मौसम खराब है ना, बारिश हो भी रही हो, बारिश मतलब मुझे लग रहा है रात को तो बड़ी जोर से बारिश ना, बहुत जोर। ये सब ठीक है मौसम ना? देखो उस पहाड़ी के ऊपर देखो टच कर रहा है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। मुझे रोड नहीं, ये तो कोई चक्कर नहीं है, अभी थोड़ी देर चुप हो जाएंगे। खतरनाक लग रहा है ऊपर, देख तो सही है, नहीं खुलता, दो दो वो डाले हुए हैं, मौसम इस तरह तो बिल्कुल साफ है, इस तरह बड़ा खतरनाक लग रहा है। तो आबे जी आपके लोगे जाके ऊपर। हाँ जी आबे जी, कपड़े ले गए। ओ अभी तू कितने कपड़े लेती है, यहाँ पे भी कपड़े, वहाँ पे भी कपड़े, अभी फुल्लू ले लिया, फुल्लू छोटा सा, बाकी नहीं आए, वो आ रहे हैं पीछे, लास्ट में दिख रहे होंगे आप लोगों को, नहीं दिख रहे होंगे ना, एक मिनट अब दिखेंगे। मम्मी और भाभी आ गए, सासू माँ और भाभी आ गए मेरे ख्याल में, और शब्बू मम्मी आई ना। ये देखो मैंने गाड़ी के पीछे लिख रखा है अपने चैनल का नाम, साफ कर रहा हूँ इसको बिल्कुल प्रॉपर, एंड सिंह सूर्यवंशी ब्लॉग, सिंह सूर्यवंशी ब्लॉग। इसमें भी बादल दिख रहे पीछे, बादल दिख रहे पीछे, क्लियर दिख रहा है। ये बस के टायर और ट्रक के टायर है, हैं? बस या ट्रक के टायर है ना, हैं? और कितना है इसमें, कितना करना है? पता नहीं कितना है, देख कर ले। 3 किलो वो रंग कौन करना? रंग पिंक पिंक डिजाइनर है, डिजाइनर मैडम ना, बार भी बार है ना मैडम, बार भी बार है। और करा कौन से सिंधे कौन है बोल बेटा, ये डिजाइन है ये रोहित, गाइस घर से फोन आया है, कप्तान अपन रस्सी तोड़ के भाग चुका है, फरार हो चुका है, सबको तंग कर रहा है, मार्केट जा रखे थे सामान लेने, दौड़ के आना पड़ा है भाई शॉर्ट नोटिस पे, कि भाई जल्दी जल्दी आओ, शॉर्ट नोटिस हो गया मार लिया था ना भाई, पता नहीं क्या कर रहा है, कहाँ था भाई, पता नहीं कि 3-4 घरों में जा चुका है, किसी कुत्ते पर अटैक किया उसने, बंदे पर तो खैर नहीं करता है, कुत्ते पर गया, ये दूसरी बार हो गया जब हम घर से निकलते बीच बीच हो जाता है भाई, उसके लिए तो बाउंड्री बुंडी कोई मायने नहीं रखती, सारा सब कुछ छलांग मार के निकल गया भाई। लेंटर से दीजिए सर, और कप्तान फरार हो गया भाई, छत पे से छलांग लगाई उसने,
यहाँ से छलांग लगा के नीचे आ गया और इस तरफ चला गया। पिछली बार भी ऐसा किया, इसने यहाँ से यहाँ छलांग लगाई थी, कुत्ते के पीछे लग गया था। बाकी राहुल और शब्बू तुम्हारा ढूंढ रहे हैं, मुझे शक हुआ। प्राकुल ने कहा कि इस तरफ हो सकता है, तो पिछले बार जब बैठा हुआ है आराम से, डरा हुआ है ऐसे कि मार पड़ेगी मुझे। अब पंख तो उसने ले लिया पर नहीं करता है ऐसे, ये खाली हमारा शक है कि किसी पर अटैक करता हो, करता नहीं। यहाँ क्या कर रखा था ना, फेरा मेरा कर रहा है, कहाँ से बाहर अटैक तो नहीं किया किसी ने, किसी पे तूने शरारती बच्चे बताओ घर के पीछे आगे बैठा टेरेस पे छलांग लगाता है। अब यार चीतता ही तो नहीं कहीं इतनी ऊंची छलांग लगाता है, बताओ यार ये सारे रास्ते बंद कर रखे हैं पर यहाँ से छलांग लगा के नीचे आता है। कप्तान तू ना बड़ा शरारती है, हैं वैसे से जाना यहीं बैठा अंदर से जाना घूम के और खोलना। हमें डर था कि कप्तान किसी को कोई हार्म ना करे, पर हमारा शेर वैसे समझदार है, उल्टी सीधी शरारते तो करता है पर दिमाग तभी तो करता है। राहुल दिमाग तभी तो करता है, पर इसको मार तो मारनी पड़ेगी थोड़ी सी। भाई हमारे शेर के कारनामे, हमारे कप्तान के कारनामे, भाई छत से कूदता है, दीवारें तो काम ही नहीं करते, और छत भी छोटी नहीं बड़ी बड़ी छत। और चलो मतलब कि अपने सेफ जोन में था, वैसे तो देखा जाए ना पीछे वाले दरवाजे के पास बैठा हुआ था, बंद था, बाकी तो बाउंड्री सारी चारों तरफ से क्लोज थी, तो सेफ था। और अभी उसको कमरे के अंदर बिठा के आए हैं, सो गए, पंखा लगा के आ गए हैं अभी, तो अभी तो कहीं रिस्क है नहीं, कोई कहीं जाएगा भी नहीं कमरे में अंदर। अब जब शादी में जाएंगे तब भी उसको अंदर ही रखना पड़ेगा ना कमरे में, बाहर तो उसको रख नहीं सकते। धाम कर तो मुच्छ भी मेरी है, पूरा डब्ल्यू बने मुच्छों का है ना, डब्ल्यू बना मुच्छों का देख ले। फाइनली गाइस शॉपिंग पूरी हुई और घर वाले भी आ चुके हैं, पर हमारे जो घर के बड़े हैं उन लोगों की शॉपिंग अभी तक खत्म नहीं हुई, फिर से चले गए हैं कुछ लेने, यहाँ पता नहीं पीछे क्या लेने गए, कोई आइडिया नहीं है। बाकी नाराज मम्मी पापा मतलब सासू माँ और ससुर की लड़ाई हो चुकी है, तो बहुत मुश्किल से छुड़ाया उन्हें, मतलब रेसलिंग करने लगे थे शिमता के बीच ग्राउंड में, तो आज छिंज भी है ऊपर से अपना, ये क्या कहते हैं सुनता में छिंज भी है, पर रोड पे रेसलिंग होने लगी। फिर हम जल्दी जल्दी हमने गाड़ी में बिठाया, ये पापा किसी गाड़ी में आ गए, यार क्या बात है, ये देखो लड़के हैं अभी, लड़के घर के पास पहुंच चुके हैं, पर घर वाले गाड़ी से उतरने का नाम नहीं ले रहे। और आप देखो यहाँ पे खेल रही है, वो चलना नहीं है, शादी में भी जाना है, कोई बाहर निकालेगा घर वालों, शादी में भी जाना है। तैयार हो गए, चलो चलो, मम्मी और पापा की लड़ाई हुई है तभी ग्राउंड में, तगड़ी लड़ाई है, सर पार दिया पापा का और पापा को दूसरी गाड़ी भेज दिया। ये तो कुड़मरी ने छुड़वा लिया, नहीं तो वहाँ पे खून खराब हो जाता तगड़ा ही। राव जी हम आगे, हमारी सेना पीछे पीछे, और हमारे साम्राज्य के राजा महारानी, देखो हमारी महारानी को महारानी के दास उठा के लेके आ रहे हैं, और ये सारी सेना है युद्ध के लिए यहाँ पे आई है। आज मम्मी और पापा की लड़ाई हुई है समता के मैदान में, तो ये भाई है पीछे, ये खाने पीने का इंतजाम करते हैं सारा। देखो वो खड़े हैं, लड़ाई हुई तकड़ी दोनों की, ये देखो क्या बात है, वहाँ बांध रखा था, और देखो चार तो से बंद है, ये वाला भी यहाँ पे ड्रम रखा होता रास्ता बंद किया था, यहाँ से भी कूद के ऊपर गया। चलो ये तो बहुत छोटा है उसके लिए, ये तो बहुत इजीली उसने क्रॉस कर लिया। और उसके बाद ये पेंट वेंट गिरा के यहाँ आया और यहाँ से सीधा यहाँ आया, इधर आया, इधर से वही छलांग लगाई नीचे, यहाँ से छलांग लगाई, वैसे ही पड़ोसियों ने देख लिया, पड़ोसियों को कॉल की कप्तान यहाँ से कूद गया नीचे, जगह दिखा कितनी खतरनाक है, बहुत दूर है भाई ये, तो यहाँ से कूदना होगा मुझे कोई। और उसके बाद वहाँ गया, यहाँ गया, वहाँ गया, यहाँ से फिर इधर जाके पीछे वाला दरवाजा आया बैकयार्ड में, वहाँ पर जाके बैठ गया था कि जब घर वाले आएंगे उसके बाद मैं अंदर जाऊँगा। बाकी मौसम तो आप देख ही सकते हो, औसम नज़ारा है, औसम वाला नज़ारा है,
दिन में थोड़ा मौसम खराब था ना, अभी थोड़ा ठीक हो गया है। और वो टॉप में पहले ही बताता रहा हूँ, मंदिर है, था माता मंदिर। सो गाइस, आज की शॉपिंग पूरी हुई, अब शाम को शादी है, शादी नहीं क्या कहते हैं रस्म है, मेहंदी, शादी की एक रस्म होती है मेहंदी, उस मेहंदी में जाएंगे हम सारे घर वाले और रात को ही वापस आ जाएंगे। बाकी शॉपिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है, अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अगला ब्लॉग जो है मेहंदी वाला ब्लॉग जो है मैं अलग से बनाऊँगा और उसमें देखते हैं क्या क्या रस्में हिमाचल में, मतलब किस तरह से मेहंदी की जो रस्में की जाती है वो दिखाऊँगा। बाकी इस वाले ब्लॉग को मैं एंड करने जा रहा हूँ, मुझे याद कहते हैं, मिलूँगा अब मेहंदी वाले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।